ये क्या आज फिर फैक्ट्री से जल्दी आ गए? हाँ ये लो, ये पकड़ो। ये क्या है? अरे चिकन है। निम्मो बेगम के लिए रोज रोज मैं चिकन नहीं पका सकती। अरे ये अंदर तो रखो ले जाके। खुदा के बंदे कुछ खौफ कर लो, इस निम्मो की खातिर नौकरी ना दाव पर लगा लेना। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा। नदीम आ रहा है। अच्छा, मिनाल को लेकर आ रहा है। बहुत अरसा हो गया मिनाल से मिले हुए। कौन आ रहा है? अरे अपना नदीम आ रहा है, इसीलिए तो चिकन लाया हूँ। बिरयानी ले आना बाहर से, मुझसे कोई चिकन विकन नहीं बनता। अरे बेटा ये हिना के बारे में तुम्हें किसने बताया था? अयूब ने। देखो बेटा, हम अयूब की हर बात पर यकीन नहीं कर सकते। वैसे भी काशिफ और उसके घर वाले इतना बड़ा सच हमसे क्यों छुपाएंगे? मुझे तो अयूब की बात पर यकीन नहीं आता। और फिर उसका एक बेटा भी है, बहुत बड़ी बात है, हजम नहीं हो रही। मैं भी इसीलिए यहाँ दो दिन ज्यादा रुकी हूँ ताकि सच का पता लगा सकूं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अबे भाई तू टेंशन तो मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। यार हैरत की बात है, ये हिना का नाम आज तक मेरे घर वालों को पता नहीं लगा, लेकिन निम्मो को कैसे पता चल गया? ये बात तो तू भाभी से पूछता ना कि नाम किसने बताया। अरे यार नहीं बताएगी, वो दूसरों पे डाल देगी, जैसे उसने वो हैदराबाद वाली बात अम्मी और तबस्सुम पे डाल। यार ऐसा लग रहा है कि कोई ना खेल रहा है हमारे साथ। यार मुझे ना हिना पर शक है। हिना निम्मो तक पहुंची कैसे? अबे उसी लड़के के जरिए जो वहीद की दुकान पर आया था, या फिर खुद वहीद के जरिए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है। यार मैंने बहुत सोचा इस बारे में, उन दोनों के अलावा कोई और नहीं हो सकता। सही कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। हाँ भाई कलीम, कोई खबर वबर लाया? ये लड़का साथ वाली शॉप में काम करता है, इसने देखा तो उस लड़के को। देखा उसे? हाँ, वहीद भाई उस लड़के के साथ हैदराबाद की बातें कर रहे थे। दिखने में कैसा था वो, उसका हुलिया कैसा था? मैं ना उस वक्त सेल्फी बना रहा था और वो दोनों पीछे थे। दिखा सेल्फी, दिखा 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 दिखा। मोबाइल दे, मोबाइल दे। ये देखे ना। तू जानता है इसे? नहीं, ये मेरी शादी पे वेटर बन के आया हुआ था। व्हाट्सएप कर मुझे इसकी तस्वीर। व्हाट्सएप कर, व्हाट्सएप। दरअसल आप लोगों से मिलने की बहुत आरजू थी, खास तौर पे निम्मो से। शकीला बाजार गई है, बस आती होगी। पता नहीं आप लोगों को नदीम ने बताया या नहीं। शिवा बता देंगे, ऐसी भी क्या जरूरी है। वक्त पे नहीं बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। दरअसल मैं और नदीम शादी कर रहे हैं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो नदी। मामू जान, वो दो मिनट के लिए आपसे बात हो सकती? हाँ बेटा जरूर आओ।
मतलब ये सब वही लड़का कर रहा था, लेकिन क्यों? ये है कौन भाई? नहीं जानता, लेकिन हमारी शादी पे बहुत ही अजीब और गरीब नजरों से निम्मो को देख रहा था। हो सकता है भाभी से जानती हो। मुझे भी यही लगा, लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने इनकार कर दिया। तुझे क्या लगता है, वही इस्तेमाल कर रहा होगा इसे? हो सकता है, वरना उस लड़के से तेरी क्या दुश्मनी भाई? का मतलब है कि वहीद ने इसको हैदराबाद भेजा हो। इना के बाप की हैदराबाद रेशम गली में दुकान है, ये बात मैं और सिर्फ वहीद ही जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शादी में भी वहीद ने इसको भेजा। हाँ भाई, मुझे तो इस कहानी का मरकजी किरदार ना ये वहीद ही लग रहा है। लेकिन इतनी हिम्मत है नहीं भाई, बहुत अच्छी तरीके से जानता है वो कि माजियों में किन लोगों के साथ उठता बैठता है। देख, बात जब इज्जत की आ जाए ना तो हिम्मत भी आ ही जाती है, और तूने भी तो उसकी बहन के साथ। अरे यार, तू बात बात पे वही बात क्यों शुरू कर देता है, ताने मारने लग जाता है। खत्म कर उस बात को। ताना नहीं दे रहा यार। खैर ये बता, आगे क्या करना है? हिना का नाम तो पहुंच ही गया है, और अगर हिना पहुंच गई तो कब से जानते हैं आप नदीम भाई को? सदियों से। उसे मेरे लिए इस दुनिया में भेजा गया। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, अक्सर नदीम तुम्हारा जिक्र करते हैं। निम्मो ऐसी है, निम्मो वैसी है, निम्मो ये करती है, निम्मो वो करती है। आशी से ज्यादा तुम्हारा जिक्र करता है नदीम, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? वो मेरे बहनोई है। बहनोई थे, अब नहीं है। हो सकता है तुम नदीम को अच्छी लगती हो। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? क्यों, क्या हुआ? कड़वी लगी मेरी बात? कड़वी नहीं लग रही, मुझे अफसोस हो रहा है। आप जिंदगी में पहली बार मुझसे मिल रही हैं और मिलते इतनी गिरी हुई बातें। मुझे तो हैरत हो रही है कि आपका रिश्ता नदीम भाई के साथ कैसे हो गया। वैसे एक बात कहूँ, जो रिश्ते शक की बुनियाद पर शुरू होते हैं ना, उनका अख्तितम बहुत जल्दी हो जाता है। शक नहीं है, मैंने नदीम की आंखों में देखा है। उसने मुझे बताया कि उसकी आशी से शादी कैसे हुई, वो आशी से पहली दफा कब और कहां कैसे मिला। बेध्यानी में वो आशी से ज्यादा तुम्हारा जिक्र कर रहा था। जानती हो, उसके पास एक तस्वीर है जिसमें आशी के साथ तुम खड़ी हो, और वो उस तस्वीर को हमेशा अपने पास रखता है अपने वॉलेट में। उस तस्वीर में आशी को नहीं, तुम्हें देखता है। आप यहां इल्जाम लगाने आई हैं? इल्जाम नहीं लगा रहे, सच बताने आई। नदीम आशी को नहीं, तुम्हें पसंद करता था, लेकिन शादी आशी से हो। खुदा से माफी मांगे और मुझे भी माफ करें।